मेरे पीछे देख रहे ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर पिछले 4-5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जरूर देख लिया होगा, और इस वीडियो के अंदर दिखाई देने वाला शख्स को भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आप या तो पढ़ाई करते हैं या YouTube, Facebook या Instagram जैसे अकाउंट और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये अवध ओझा नाम के एक टीचर हैं और काफ़ी आपको बता दें कि पढ़ाते हैं, टैलेंटेड माने जाते हैं, YouTube पर इनके काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं और इनके द्वारा हाल ही के अंदर एक क्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इनकी एक क्लिप है जिसके अंदर जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, और इस क्लिप के अंदर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भीम आर्मी के प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उनकी नज़र में अब इस वक्त देश के सबसे उभरते हुए नेताओं के साथ साथ बहुत अच्छे नेता है, क्योंकि वो किसी को भी गाली गलौज नहीं देते और सीधे अपने काम पर बड़े रहते हैं। वो तो यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री दलित प्रधानमंत्री बने और इस देश से जाति पाति मिटा दें। क्या कुछ कह रहे हैं अब दोदा, वो तो आप पहले सुन ही लीजिए। आजकल के लीडरों में ये एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, वह चंद्रशेखर रावत। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। कहता मेरी माँ चारा काट के लाती। तो सुना आपने किस तरीके से अवध ओझा ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को मैं अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में भीम आर्मी के अलग अलग जो नेता है, पदाधिकारी है, उनके द्वारा प्रतिक्रिया काफी सामने आ चुकी है, लेकिन भीम आर्मी के द्वारा क्या प्रतिक्रिया थे इस पर भी देखना दिलचस्प होगा। भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से सर्कुलेट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अन्य जो लोग हैं वो इस वीडियो को प्रायोजित बता रहे हैं। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर हमारे चैनल को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर